आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम आपको खुद का कारोबार शुरू करने के लिए जानकारी देते हैं। जिन क्षेत्रों में हमें लगता है कि आपके लिए बिजनेस करने के मौके हैं, वही मौके आपके सामने पेश करते हैं। आज जिस सेक्टर पर हमारी नजर गई है वो है हेल्थ केयर। भारत की बढ़ती जनसंख्या, बदलते लाइफस्टाइल, हेल्थ इश्यूज को लेकर लोगों में जागरूकता, मेडिकल टूरिज्म, ये कुछ वजह हैं जिनके चलते इस क्षेत्र में हमें बढ़िया मौके दिखते हैं। भारत सरकार हो, निवेशक हो या फिर नए एंटरप्रेन्योर्स, ये सब इस क्षेत्र को लेकर काफी बुलिश हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आज हेल्थ केयर सेक्टर की सबसे बड़ी जरूरत है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। 12 साल पहले कांचन नायकवाड़ी इस महिला ने घर में आई मुसीबत से सबक लेकर एंटरप्रेन्योर बनने की नींव रखी। मुनाफे की लालच बगैर लोगों में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के प्रति अवेयरनेस लाने के उद्देश्य से शुरू किया एक छोटा सा कारोबार जो आज 100 करोड़ का बिजनेस है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये बात हम में से लगभग सभी जानते हैं, लेकिन इस पर अमल कितने लोग करते हैं? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स के लिए हम अक्सर हजार बहाने देते हैं। कल करे सो आज जितनी अहम चीज को हम ज्यादातर टालते ही रहते हैं। कुछ यही रवैया था कांचन नायकवड़ी के परिवार का। कंचन का परिवार नए मेहमान की आने का जश्न मना रहा था कि अचानक पिताजी की मौत ने सबको जबरदस्त धक्का दिया। कोई भी मिलने को आता था पिताजी के देहांत के बाद, यही बोलते थे कि अगर पहले पता चलता तो। That got me thinking कि what is everybody trying to get at, कि पहले पता चलता होता यानी exactly क्या। लेकिन कोई ये पॉइंट पे नहीं आ रहा था कि प्रिवेंशन हो गया होता तो। एवरीबडी वॉज ट्राइंग टू टेल मी दैट फर्स्ट स्टेज में कैंसर कैप्चर किया होता तो क्या होता। तभी मेरे मन में ऐसे आया कि ऐसे बहुत सारे लोग जो बाहर हैं, जिनके नज़दीक की जो रिलेटिव्स हैं, आई एम श्योर दे डाइंग आउट ऑफ हार्ट अटैक्स, पीपल आर ऑन थर्ड स्टेज कैंसर एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू सेव देयर नियर एंड डियर वंस but is unable to save and the culture of prevention was missing. इस हादसे के बाद कांचन को लगा कि अगर प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स लिए होते तो पिताजी की जान बच गई होती, और यहीं से इंडस हेल्थ प्लस जैसी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कंपनी शुरू करने की तैयारी शुरू हुई। बीकॉम ग्रेजुएट कांचन को मेडिकल फील्ड का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन जिंदगी से मिले अनुभव से उन्होंने इस क्षेत्र में कारोबार करने की ठान ली। पति अमोल नायकवड़ी के साथ मिलकर कांचन ने 3000 स्क्वायर फीट के ऑफिस से पुणे में इंडस की शुरुआत की। कंपनी ने हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सेंटर से टाई अप करके हेल्थ चेकअप पैकेजेस डिजाइन किए। कंपनी का ध्येय प्रॉफिट कमाना कभी नहीं था, इसीलिए आम लोगों की जेब को सूट करे ऐसी कीमत रख कर ज्यादा से ज्यादा लोग इस हेल्थ प्रोडक्ट का फायदा उठा सके, इसका ध्यान रखा गया। आम आदमी अगर कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर आज में जाके इंक्वायरी करे कि मेरे को चेकअप करवाना है और जो रेट वो उनको कोट करेंगे उनके 50% से हम कम में बेचते हैं, हमारे वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं। वी आर, एज आई मेंशनड अर्लियर, वी आर द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन डूइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ चेकअप्स इन इंडिया टुडे। बिकॉज ऑफ आवर वॉल्यूम्स व्हाट वी हैव बीन एबल टू अचीव इज टू गेट दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट accessible, affordable to a layman. Affordability, I think, is the major clause here because हमारे products आज अगर देखने जाओ तो बॉम्बे के हिसाब से we are at least 50% cheaper than the MRP quoted outside. Prevention by early detection के mission से शुरू हुए Indus Health Plus का कारोबार आज 9 राज्यों के 29 शहरों में फैला है। Apollo Fortis जैसे बड़े नामों के साथ 55 diagnostic centers से Indus का tie-up है। यानी यहाँ आप हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। इसमें फिटनेस, एसेंशियल एंड एडवांस हार्ट चेकअप, वुमेन स्पेशल, फुल बॉडी चेकअप, सीनियर सिटीजन हेल्थ चेकअप जैसे पैकेजेस हैं। इन हेल्थ चेकअप से बड़े हेल्थ ट्रॉमा से बचा जा सकता है। इंडस मेडिकल फील्ड में ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने का काम कर रही है, जिसकी हमारे देश में काफी ज्यादा जरूरत है। जहाँ हमारे लोग चेकअप के लिए जाते हैं दिन भर, वहाँ उनका चेकअप होता है, हमारे स्टाफ मेंबर्स वहाँ मौजूद होते हैं, जहाँ वो उनको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि मेडिकल फील्ड में कस्टमर केयर भी 12 साल पहले नहीं था, हमने वो नीश प्रोडक्ट यूज़ किया, हमने कस्टमर केयर यानी क्वालिटी चेकअप कैसे हम डिलीवर कर सकते हैं
वो हमने चालू किया। कांचन के लिए इस कारोबार में प्रिवेंशन की अहमियत लोगों तक पहुंचाना सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी प्रिवेंशन की तरफ ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज 12 साल बाद काफी बदलाव आ चुका है, लेकिन छोटे शहरों और गाँव में प्रिवेंशन की अहमियत समझाना आज भी बड़ा चैलेंज है। साथ ही उन तक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पहुँचाने में भी काफी समस्याएं आती है। आज इंडिया में हाई एंड चेकअप सिर्फ मेट्रो सिटीज में होते हैं। टीयर वन, टीयर टू या टीयर थ्री सिटीज में अगर मैं ये प्रोडक्ट बेचना चाहूँ तो वहाँ ये फैसिलिटीज नहीं है, जिसकी वजह से वो लोगों को, यानी अगर मैं बोलूँ तो वीटा, सांगली, महाराष्ट्र में ऐसे छोटे छोटे गांव टीयर वन टीयर थ्री सिटीज होते हैं, जहाँ वो लोगों को, उनको कितना भी मैं समझाऊँ और अगर वो हाँ भी बोले तो भी उनको वो प्रोडक्ट में उनके शहर में नहीं दे सकती। इंडस आज देश की सबसे बड़ी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कंपनी है। इंडस का टर्नओवर आज 100 करोड़ तक पहुंचा है। कांचन का कहना है कि साल दर साल 30-35% ग्रोथ वाले इस कारोबार में कई सारे मौके हैं। नए एंटरप्रेन्योर्स को इस क्षेत्र में उतरने की जरूरत है। विदेश में ये कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर है, लेकिन भारत में आज भी अवेयरनेस की जरूरत है। मेरे को लगता है यहाँ स्कोप बहुत है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है आज, इट्स नॉट बिटवीन द रिच एंड द पुअर, इट दिस प्रोडक्ट इज फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। आज सबसे अच्छी बात है कि वी आर ऑल इंडियंस एंड लुक एट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। आज इंडस पूरे भारत को भी कवर करना चाहे तो भी कवर नहीं कर सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच एवरी ह्यूमन, एवरी एडल्ट। आज बच्चों बच्चों में भी कैंसर है या डायबिटीज आज हम सुन रहे हैं। There is so much to do in the prevention space today. There is, the population is there. This product is for every human being. So it is very, the scope is very large. कांचन को इस क्षेत्र में किए गए काम के लिए स्टीव अवार्ड्स फॉर वुमेन इन बिजनेस और IWEC यानी द इंटरनेशनल वुमेन्स एंटरप्रेन्योरल चैलेंज अवार्ड से नवाजा गया है। किसी भी काम की सराहना हो जाए तो काम करने में जोश दोगुना हो जाता है। कांचन के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। स्टीवी और IWEC अवार्ड्स मिलने के बाद अब ये अग्रेसिव बिजनेस प्लान के एक्सपेंशन में लग गई हैं। देश के कोने कोने में अपने कारोबार को ले जाना चाहती हैं। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे लेकर आएंगे एक ऐसी ही कहानी।